मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के मेला घूमने की भीड़ लगी रही। आपको बता दें कि श्रद्धालु दर्शन करने के बाद मेले का खूब आनंद उठाते हुए दिखे, जहां मेले के अंदर श्रद्धालुओं ने जमकर खरीदारी की और खिचड़ी मेले में बिकने वाले खोए के खाजे की खरीदारी की। वहीं महिलाओं ने घर की जरूरत के सामान और ज्वेलरी के सामान की भी खरीदारी की। वहीं मेले में लगे चाट पकौड़ी समोसा की दुकानों पर लोग खाते नजर आए। पुरुष बच्चे महिलाएं तथा वृद्ध भी खिचड़ी मेले का जमकर लुत्फ उठाते हुए दिखे, जिसके संबंध में गोरखनाथ में मेला के दुकानदारों ने बताया कि हम लोग कानपुर से आए हुए हैं और तकरीबन 25 सालों से यहां खाजा की दुकान लगा रहे हैं। दुकानों में ग्राहक आते हैं और खाजा की खरीदारी करते हैं। उन्होंने बताया कि हम सुबह से लेकर रात तक जब तक मेला चलता है तब तक दुकान लगाते हैं और तकरीबन डेढ़ महीने तक हमारी दुकान यहाँ पर रहती है। वही मेले में लगी तेल राहत रूह की दुकान, फोटो स्टूडियो भी लगा हुआ था, जहाँ नुमाइश के लिए तरह तरह की चीजें लगी थी, जैसे पानी का झरना, दुर्गा मंदिर, झूला, बाइक। यहाँ लोग खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे। दुकानदारों ने कहा कि हम लोग करीब 20 सालों से यहाँ स्टूडियो मेले में लगा रहे हैं, लोग आते हैं हमारे यहाँ फोटो खिंचवाते हैं, हम लोगों को अर्जेंट में भी फोटो बनाकर दे देते हैं, जिसका 30 रुपए और 40 रुपए रेट है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखनाथ मंदिर में दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने कहा, सामने भोले भट्ट के कैंप पर पहुंचाने शांति और पूजा, शांति और पूजा। जो परशुरामपुर से आए हैं राम सुचित, जो अपने परिजन से बिछड़ गई है, जो मेला थाना पे मौजूद है, उसके परिजन अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो मेला थाना पर आकर Come on.
एनसीसी के जवान, सिविल पुलिस के जवान जो बल्लियों को पकड़ करके बिल्कुल खड़े हैं, थोड़ा श्रद्धालुओं को आगे बढ़ाइए, टोकिए। इधर गर्भगृह परिक्रमा, परिक्रमा में लाउड हेलर वाले थोड़ा तेजी से बढ़ाएं। सप्तम शुक्ला तो नया नगरी वर्तन सेठ जी की है, उनका नाम सुरेंद्र। कितने सालों से आप यहाँ मकर संक्रांति में दुकान लगाते हैं? यहाँ लगाते हो गया 25 साल। क्या क्या क्वालिटी होती है इसकी? इसका चार क्वालिटी होती है, मीठा फीका नमकीन का। क्या रेट के खाते हैं आप? रेट के 50 रुपए से लेकर 150 रुपए तक का है। कितनी बिक्री हो जाती है जी? बिक्री जैसे पब्लिक के हिसाब से, जैसी पब्लिक आती है वैसी। कितनी पब्लिक आती है? पब्लिक तो खूब आती है, काफी मेले में दुकानें भी हैं, सामान निकल जाता है आपका। हाँ, जितना बनाते उतना बिक जाता। कब तक दुकान लगाएंगे? लगाएंगे 10 फरवरी तक। 10 फरवरी तक कहाँ से आए हैं? कानपुर, मुंबई में है, कानपुर से। कितने वर्षों से आप यहाँ खिचड़ी के मेले में? 14 साल से, 14 साल से लगाते हैं हम यहाँ। किस चीज़ की दुकान लगाते हैं? लेडीज एंड जेंट्स चप्पल। तो क्या ये बिक्री होती है, कस्टमर आते हैं? कस्टमर तो आएंगे ही आएंगे, थोड़े बहुत जो भी ऊपर वाला चाहेगा वही आएगा। कितने बजे से कितने बजे तक दुकान चलती है? सुबह 8 से 9। और क्या रेट के होंगे चप्पल? 120, 150, 200। कब से लगाए हैं दुकान? सुबह से, मेले की शुरुआत। हाँ, शुरू से आते हैं, 1 तारीख को आ जाते हैं। कब तक रहेगी? शिवरात्रि तक। हमारा नाम अरविंद रवि सन, एक सन्नी के नाम से लोग जानते हैं। किस तरह का ये प्रचार कर रहे हैं और कब से लगा रहे हैं? ये जैसे 1881 से इस तेल का शुरू हुआ और तब से ये हर साल गोरखनाथ मेले में इसका स्टॉल लगता है, प्रचार कंपनी द्वारा लगता है और एक सीसी कंपनी हर साल सबको प्रचार में फ्री देती है, जिससे लोग इस तेल से प्रभावित होकर के आवे और इस तेल को लगाना सोचे समझे। और ये तेल जो है पूरे हिंदुस्तान में कोने कोने में ये बिकता है। और जैसे कि सिर दर्द, बदन दर्द, कपारी, चक्कर आना, चोट मोट, हड्डा बिच्छी, बर्रा, मार्केट जल जाए, कट जाए, मैंने ये जल आपके घर का ये तेल डॉक्टर है, उसी का नाम है तेल मिजादी है। क्या रेट का है ये? क्या जैसे 500 ग्राम आप लेंगे 350 रुपये का, तो 160 रुपये अगर उसके साथ फ्री मिलता है। और 160 रुपये आप 200 ग्राम लेंगे तो 90 रुपये का 100 ग्राम तेल आपको फ्री मिलेगा। बिक्री होती है? बिक्री कोई खास नहीं है, पब्लिसिटी के द्वारा हमें बैठा रहता है, बिक्री कोई खास नहीं है। कब से लगा रही है ये? हम जैसे खिचड़ी का मेला चालू होता है जिस दिन से, उसी दिन से। और ऐसा तो ये तो रहा है अभी 1.5 महीने का मेला। और ऐसा तो जब से इस तेल का उत्पादन हुआ तब से ये हर साल इस मेले में 100 साल से ऊपर हो गया ये स्टॉल लगता है। कहाँ से आया है ये? हरमन श्री राम भगवान दास गली है, घंटाघर, वहीं से ये दुकान लगती है। भंतारा विजय कुमार जयसवाल। विजय जी, कितने सालों से गोरखनाथ मंदिर? हमारे 35 साल से। दुकान कितने सालों से? 35 साल से आ रहे हैं। तो यहाँ जो स्टूडियो आपको बोला है वहाँ बिक्री होती है, मतलब कस्टमर आते हैं? हाँ, थोड़ा वहाँ आते हैं, जिन्ना लेकर आते हैं। क्या रेट है? 40 रुपया। 40 रुपया काफी जी? हर वर्ष भी लगती है। हाँ सर। कहाँ से है? कानपुर से। और किस तरह का यहाँ मतलब है फोटो खिंचवाने के लिए जगह? कम सभी देखी हुई सर है, गमला है, झूला है, गाड़ी है, ये गार्डन है, झरना है, डील है, चांद है, नदी है, मिट्टी वाली झूला है। बोलू कश्यप। बोलू जी, यहाँ कितने कार्यकर्ता आ रहे हैं? हम यहाँ आ रहे हैं स्टूडियो में 10-12 सालों से गोरखनाथ मंदिर में आ रहे हैं। हमारा स्टूडियो लगता है अंजुमन फोटो स्टूडियो, यहाँ पे कम से कम रोजाना सेल होती है, 200-150 फोटो खींचती है रोज। और क्या काम है आपका? हमारा इसमें फोटो खींचने का काम है। क्या रेट?
40 रुपए कापी है, तुरंत अर्जेंट में बनती है। वैसे तो 30 रुपए वाली कल मिलती है, लेकिन अब अर्जेंट का काम है तो अर्जेंट सब मांगते हैं तो अर्जेंट ही। किस तरह की लगे हुए शो ये है? बाइक लगी हुई है, ये गार्डन लगा हुआ है, ये दिल लगा हुआ है, झरना पानी वाला, ये सब बच्चों की गाड़ी वगैरह ये सब है।